ब्रेड पकोड़ा तो आपने कई बार बनाया और खाया भी होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ में इसे बनाने का एकदम नया तरीका शेयर करूंगी। और अगर आपने इस तरीके से एक बार ये रेसिपी बना ली तो आप इसे हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। जैसे ही तेल हल्का सा गरम हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे रफली चॉप करी हुई हरी मिर्चें। इन्हें हम 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर हल्के रंग की हरी मिर्चों का यूज किया है, लेकिन अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो जो डार्क ग्रीन कलर वाली चिलीज आती हैं, आप उन्हें भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हरी मिर्च थोड़ी सी फ्राई हो गई है। अब इसके बाद में मैं इसमें मिलाऊंगी लहसुन और इसे भी हम मीडियम हीट पर 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। अब ये जो हम चटनी बना रहे हैं, इसमें हरी मिर्च और लहसुन का जो रेशो होता है वो 1:1/2 होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हरी मिर्चें 1 कप ली हैं तो आधा कप भरकर आपको यहाँ पर लहसुन यूज करनी है। अभी लहसुन और हरी मिर्च हल्के से फ्राई हो चुके हैं, इनमें हल्की हल्की सी ब्राउनिंग आना स्टार्ट हो गई है। तो नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/4 कप भुने हुए मूंगफली के दाने और आधा छोटा चम्मच नमक। अब इन सभी चीजों को हम 1 मिनट के लिए और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब लास्ट में मैं इसमें मिलाऊंगी हरा धनिया। अब इन सभी चीजों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं अब गैस ऑफ कर दूंगी और इस मिक्सचर को हम पूरी तरह से अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। अभी चटनी का मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो एक मिक्सिंग बोल में मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन लिया है, उसी के साथ में मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स करूंगी, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे और आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। उसी के साथ में मैं इसमें मिक्स करूंगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाऊंगी और इन सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है तो अब हम इसका एक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। एक साथ सारा पानी मिला देने से बेसन में गुठलियाँ पड़ सकती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कर पानी मिलाएं और इसका एक स्मूथ और लम्प फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लें। मुझे यहाँ पर आधा कप और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी लगा है इसे मिक्स करने के लिए। तो ये जो बैटर की कंसिस्टेंसी है, ये बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके का बैटर हम बनाकर तैयार करेंगे और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। अब हमने जो चटनी का मिक्सचर साइड में रखा था ठंडा होने के लिए, वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे पीस लेंगे। इसे हमें बिना पानी डाले दरदरा पीस कर तैयार करना है। अब ये हमारा ठेचा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके का बिल्कुल कोर्स सा एक टेक्सचर होता है इस चटनी का। अब एक दूसरे मिक्सिंग बोल में मैंने यहाँ पर एक मीडियम से थोड़ा बड़ा साइज का उबला हुआ आलू लिया है। इसे मैं एक फोर्क की हेल्प से अच्छे से मैश कर लूंगी। अब इसमें मैं आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स मिक्स करूंगी, उसी के साथ में बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर। और जो हमने ठेचा बनाकर तैयार किया है वो इसमें मिक्स करेंगे और इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और अब आपने देखा होगा कि मैंने इसमें सॉल्ट मिक्स नहीं किया है अब तक, तो मैं इसे एक बार टेस्ट करूंगी, उसके बाद में इसमें हम सॉल्ट एडजस्ट करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा सॉल्ट कम लगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स किया है और थोड़ा सा तीखा और करने के लिए इसमें थोड़ा सा ठेचा और मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है, हमारा बेसन का घोल भी बिल्कुल रेडी है, स्टफिंग भी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। जैसे कि हम आज ब्रेड पकोड़ा बना रहे हैं तो हमें चाहिए होंगे कुछ ब्रेड के स्लाइसेस। तो मेरे पास में यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइसेस हैं। अब इन्हें मैं हल्का सा एक बेलन की मदद से फ्लैट कर लूंगी। बहुत हल्का हल्का सा इन्हें बेलना है, बहुत ज्यादा दबा के नहीं बेलना है। तो इन सभी ब्रेड्स को मैंने हल्का सा बेल लिया है। अब जो हमने आलू वाली स्टफिंग बनाई थी वो इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये जो स्टफिंग हमने बनाई है इसकी बहुत ज्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है आपको, थोड़ी पतली ही लेयर लगाएंगे हम इसकी। और ये 2 ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर मैंने अच्छे से आलू की स्टफिंग लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर एक एक चीज स्लाइस रखूंगी। इसे दूसरे ब्रेड से कवर कर देंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि आपस में ये सारी चीजें अच्छे से चिपक जाए। अब हम इन्हें कट कर लेंगे। तो इस तरीके से 2 कट लगा देंगे हम इन ब्रेड स्लाइसेस पर और इसी तरीके से हम सभी बनाकर तैयार कर लेंगे।
अब मैंने तेल गर्म होने के लिए ऑलरेडी रखा हुआ है, हमारा बेसन का घोल तैयार है और ये ब्रेड के सैंडविचेस भी तैयार है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये जो बेसन का बैटर हमने बनाया था, ये 10 मिनट के लिए साइड में रखा हुआ था, ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके का बैटर बनाकर आपको भी तैयार करना है। ये जो हमने ब्रेड के सैंडविचेस बनाए हैं, इन्हें इस बेसन के घोल में एक बार अच्छे से सभी तरफ से कोट कर लेंगे और इसे अब हम गरम तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे और इसे अब हम एक एक कर तेल में डालते जाएंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने के लिए, 4 से 5 मिनट मैक्सिमम लगेंगे आपको इन्हें फ्राई करने के लिए। इन्हें मीडियम हीट पर आप पलटते पलटते हुए अच्छे से हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तब मैं इन्हें निकाल लूंगी और इसी तरीके से हम सारे पकौड़े फ्राई कर रेडी कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैं दूसरे भी सारे फ्राई कर लूंगी। अब ये सभी पकौड़े फ्राई होकर तैयार हैं, तो मैं आपको इसे कट कर दिखाती हूँ। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनता है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, स्पाइसी, चीजी, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए, चीज भी बहुत अच्छे से मेल्ट हुआ है। आपको इसके साथ में कोई केचप या फिर कोई भी चटनी की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आई बेट आपको ये बहुत पसंद आएगी।